हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलोट्रॉप क्लासेस, वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग, वेयर वी हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। ये आपके चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाइब्रिडाइजेशन उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? अगर हम सिंपल वे में बताएं आपको कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या होती है, मिक्सिंग होती है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन की हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई, मेन पॉइंट ये है, हाइब्रिडाइजेशन रिक्वायरमेंट क्यों हुई हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि कभी किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है तभी उसका डेवलपमेंट होता है। तो हमने आपको ऑलरेडी VSEPR थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और VSEPR थ्योरी जो आप पढ़ चुके हैं उसके बाद हमें हाइब्रिडाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट हुई, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि VSEPR थ्योरी जो हम पढ़ चुके हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स की शेप को डिफाइन करने में काफी हेल्पफुल रही, बट वो कुछ एग्जैक्ट शेप नहीं बता पाई किसी कुछ केसेस में, जैसे कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जिनकी वो एग्जैक्ट शेप डिफाइन नहीं कर पाई। ठीक है, अब अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो वो एक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाई VSEPR थ्योरी। बट उसके बाद हमने पढ़ा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद हमने कौन सी थ्योरी पढ़ी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो इलेक्ट्रॉन्स की शेप को बताने में काफी हेल्पफुल रही। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बताया था कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेंगे। ये हमें किसने बताया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड जो बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की वजह से। ठीक है, ओवरलैपिंग हो रही है हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनमें की इलेक्ट्रॉन्स हाफ फिल्ड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पर ये 1s हुआ फर्स्ट एटम का, ये सेकंड एटम का हुआ, दोनों हाफ फिल्ड है तो इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर, अब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो डायरेक्शन है ओवरलैपिंग की वो ही हमें बताती है कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कहां होगा, मींस डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग गिव्स डायरेक्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जिस डायरेक्शन में आपका ओवरलैपिंग होगी उसी डायरेक्शन में आपका क्या बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगी। ये हमें किसने बताया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बट कुछ ऐसे केसेस हुए जहां पर ये जो रूल था हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, ये जो पोस्टुलेट थी वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाई स्ट्रक्चर्स को, शेप को मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहें कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बन रहे हैं वो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के थ्रू बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जो कोवेलेंसी होगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के। ठीक है, कोवेलेंसी किसके इक्वल होनी चाहिए, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। भाई जब कोवेलेंट बॉन्ड जो बन रहा है वो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की वजह से बन रहा है, तो कोवेलेंसी उतनी होनी चाहिए जितने की हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो। बट कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें की कोवेलेंसी आपकी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के इक्वल नहीं होती है। ठीक है, उनसे वो अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां कुछ केसेस ले लेते हैं, बेरिलियम
बोरोन कार्बन, ठीक है, ये हमने तीन केसेस ले लिए। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4, तो क्या नोट करेंगे हम 1s2 2s2। बोरोन का 5, 1s2 2s2 2px1, 5 हो गए। 1s2 2s2 2px1 2py1, 6 हो गए। अब इनके अकॉर्डिंग आप देखिए इसकी कोवेलेंसी कितनी होनी चाहिए, इसमें एक भी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, दो दो आ सकते हैं इस ऑर्बिटल में, दोनों कंप्लीट फिल्ड है, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी होनी चाहिए? 0। इसके पास एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसकी कितनी होनी चाहिए? 1। कार्बन के पास कितने हैं? 2, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी होनी चाहिए? 2। बट इनके कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें की 0 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा ये कोवेलेंसी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेरिलियम की ले लें तो BeF2, बोरोन का है BF3 या BCl3, कार्बन CH4, CCl4, CO2, ये सभी कंपाउंड्स हैं कि। अब देखिए यहां पर क्या है कि BeF2 दो फ्लोरीन से बॉन्डिंग हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी? 2। यहां तीन फ्लोरीन से हो रही है तो कितनी होगी? 3। CH4 चार हाइड्रोजन से है, चार क्लोरीन से, तो इसकी कितनी होगी? 4। अब जब इनके पास एटॉमिक ऑर्बिटल इसके 0 थे तो इसकी कोवेलेंसी 2 कैसे हो गई? इसके पास एक ही हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल था बट इसकी कोवेलेंसी 3 कैसे हो गई? इसके पास दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल थे, इसकी कोवेलेंसी 4 कैसे हो गई? ठीक है, तो इन्हीं सभी बातों को समझाने के लिए एक नई थ्योरी अप्रोच हुई जो है हमारी हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन ही हमें एक्सप्लेन करती है कि जब यहां पर कोवेलेंसी 0 1 2 थी तो यहां पर 2 3 4 कैसे हो गई, इस टाइप के कंपाउंड्स कैसे बना दिए। क्लियर, इतना आपको समझ आया कि हाइब्रिडाइजेशन की हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई? क्लियर। अब अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कंडीशन क्या बनती है, सपोज हम कार्बन का एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारा 6 है, क्या नोट करेंगे? 1s2 2s2 2px1 2py1, ठीक है। यहां आप देख सकते हैं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, ये हमारी ग्राउंड स्टेट होती है, जिसमें कि नॉर्मली ग्राउंड स्टेट, एक तो ग्राउंड स्टेट होती है और एक एक्साइटेड स्टेट होती है। ग्राउंड स्टेट जिसमें कि इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल कंडीशन में, एक्साइटेड में जब वो एक एटॉमिक ऑर्बिटल से दूसरे में क्या कर जाए, जंप कर जाए। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल अगर हम देखें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखें, तो क्या हो जाएगा? ये जो 2s2 वाला एक इलेक्ट्रॉन है ये यहां से शिफ्ट कर जाएगा 2pz1 में। देखिए अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है, बस ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट कर गया, जंप कर गया किसमें? 2pz में। ये हमारी हुई एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और इसके लिए जरूरी नहीं है आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल में जंप कर सकता है। ठीक है, अब ये एक्साइटेड स्टेट हुई, अब कार्बन जो है हमारा, अब देखिए इसके पास कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए? 4 हो गए। क्लियर, पहले दो थे, अब कितने हो गए? 4। तो 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होने की वजह से ही हमारा कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है। पढ़ा होगा आपने जूनियर क्लासेस में 9th 10th में कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4 होती है। ये पढ़ा है आपने कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक तो बनेगा आपका एस ऑर्बिटल के थ्रू, ये जो हाफ फिल्ड है, और 3 किसके थ्रू बनेंगे? पी ऑर्बिटल्स के थ्रू। ठीक है, ये जब ओवरलैप करेंगे तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बट जो 2s कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी होगी वो 2p वाले बॉन्ड से बिल्कुल अलग होगी। ठीक है, 2s की एनर्जी कम होती है जबकि 2p वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब यहीं से हमारा हाइब्रिडाइजेशन का डेवलपमेंट शुरू होता है। यहां क्या होना चाहिए, 2s की एनर्जी 2p से क्या होनी चाहिए? कम या अलग होनी चाहिए। पर जब हम एक्सपेरिमेंटल डेटा जो हमें बताता है कि कार्बन के जो 4 बॉन्ड्स बनते हैं, चारों ही ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है,
पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये कि जो तीन पी ऑर्बिटल्स हमारे ओवरलैपिंग के थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए तीनों के, और एस वाले के अलग होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटल डेटा हमें बताता है ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या बता रहा है कि चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, चारों एंगल सेम है जो कि नहीं होने चाहिए थे। इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई यहां पर साइंटिफिक अप्रोच हो रहा है, वही साइंटिफिक अप्रोच डेवलपमेंट करता है हाइब्रिडाइजेशन का। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अब साइंटिस्ट ने क्या डेवलपमेंट किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। हाइब्रिडाइजेशन मींस मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि एक ही एटम के जब सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उनमें मिक्सिंग हो जाती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, केवल उनमें। जब कंडीशन क्या हो, एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। मींस उनकी एनर्जी के बीच में बहुत ही मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए, तो वो क्या करते हैं आपस में मिक्सिंग कर लेते हैं, ठीक है। मिक्सिंग करने के बाद क्या है, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एनर्जी का, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को। रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू वो नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं जिनकी एनर्जी बिल्कुल सेम होती है और शेप भी उनकी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। और जो नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन रहे हैं सेम एनर्जी के, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि अगर आपके पास एक कैन है जिसमें कि आपके व्हाइट पेंट है, एक कैन है जिसमें कि रेड पेंट है, अगर दोनों को हम मिक्स कर दें तो हमें दो कैन किसकी मिल जाएंगी, पिंक पेंट की। जो पिंक पेंट है वो एक हाइब्रिड स्टेट है, मतलब उसके मिड में प्रेजेंट है रेड के और व्हाइट के। तो एक व्हाइट कैन और एक रेड कैन पेंट से आपने मिक्स करके दो पिंक रेड कैन पेंट बना लिए, ठीक है। तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस हुई, क्लियर। सेम ऐसे अगर हम जो हमारे हॉर्स है या हमारा डंकी होता है उसका रिप्रोडक्शन कराए तो हमें क्या मिल जाते हैं, खच्चर मिलते हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टी आपकी हॉर्स की होती है और किसकी होती है, कुछ डंकी की, ठीक है। तो ये सब भी हाइब्रिडाइजेशन ही समझिए। ये इस तरीके से मैंने आपको समझाया कि एग्जांपल्स दे सके आप इजीली, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जिनकी एनर्जी सेम होती है ऑलमोस्ट सेम, तो वो आपस में रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एनर्जी का और नए एनर्जी के नए नंबर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम बट having slightly but having slightly different energies, जिनकी energy क्या हो, उनके बीच में बहुत ही minimum सा difference हो, difference minimum होगा तभी वो क्या कर पाएंगे, redistribution, so that a redistribution of energy takes place to form new atomic orbitals of equal energy and equal energy and identical shapes, ठीक है।
एंड द न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग होती है सेम एटम की, जिनकी एनर्जी बहुत ही, उनकी एनर्जी में बहुत ही मिनिमम सा डिफरेंस हो, तो वो आपस में क्या करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एनर्जी का, लेन आपस में लेन देन करते हैं, जिससे कि एनर्जी उनकी सेम हो जाए और नई सेम एनर्जी वाले और सेम आइडेंटिकल शेप वाले आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। ठीक है, उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स नए बनेंगे जितने की आपस में कोलैप्स करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एनर्जीज का। ठीक है, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल मिलकर अगर कोलैप्स कर रहे हैं, ठीक है, एक एस और एक पी ऑर्बिटल मिल रहे हैं, तो इस टाइप से ये आपका एस ऑर्बिटल हुआ, ये आपका पी ऑर्बिटल हुआ। ठीक है, तो जब ये आपस में मिलते हैं तो आपका क्या बन जाते हैं, इस टाइप से बन जाते हैं, पी शेप का ही एक ऑर्बिटल बनता है। बस इसमें ये क्या है हमारे, ये लोब्स होते हैं, ये स्मॉल लोब्स है, ये लार्ज लोब है। ठीक है, लार्ज लोब में प्लस साइन आएगा हमेशा और स्मॉल लोब में नेगेटिव साइन आएगा। तो इन दोनों की एनर्जी क्या थी, सेम थी, सेम एनर्जी उन्हीं की होगी जिनकी क्या होगी, शेल सेम होगी। मान लो ये 2s है, ये 2p है, इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होती है, तो ये आपस में कोलैप्स करेंगे, ठीक है, ओवरलैपिंग करेंगे, तो आपका नया एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाएगा। ठीक है, दो ने आपस में क्या किया, ओवरलैपिंग की, तो दो ही आपके क्या बनेंगे, नए एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी और आइडेंटिकल शेप होगी। क्लियर, अब हाइब्रिडाइजेशन आपको आई होप समझ में आ चुका होगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसकी हमें क्यों रिक्वायरमेंट हुई, ऐसी क्या कंडीशंस आई जिससे कि हमें हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट हुई। अब देख लेते हैं हम इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस। इंपॉर्टेंट conditions and salient features hybridization के लिए important conditions और salient features। ठीक है, first condition क्या है जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो atomic orbitals आपके overlapping कर रहे हैं वो उनकी energy क्या होनी चाहिए, same होनी चाहिए। अगर एनर्जी उनकी ऑलमोस्ट सेम होगी वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग कर पाएंगे। ठीक है, जिनकी एनर्जीज ऑलमोस्ट सेम होगी, साथ में वो सेम एटम से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, ओनली दोज ऑर्बिटल्स ओवरलैप विच हैव ऑलमोस्ट equal energy and belong to same atom, केवल वही orbitals overlapping करेंगे जिनकी energy same होगी, almost same होगी, ज्यादा difference नहीं होगा और वो same atom से belong करते हैं। clear, इतना clear हुआ। second point, जिनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे केवल वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब वही ऑर्बिटल्स जिनमें की वैलेंस शेल एटम प्रेजेंट हो, इनमें ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो वैलेंस शेल में, वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ओनली द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन, केवल वही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, ओनली द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ द एटम टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर, केवल वही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे जो कि वैलेंस शेल में
प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन्स जब आपके ट्रांसफर होंगे एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, तो जरूरी नहीं है कि उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। मतलब एनर्जी नॉट एन एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन टू प्रायर हाइब्रिडाइजेशन। प्रमोशन इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट कंडीशन नहीं है हाइब्रिडाइजेशन की। नंबर फोर और इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके केवल हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, या जितने भी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो सभी पार्टिसिपेट करें, ऐसा भी जरूरी नहीं है। हाफ फिल्ड के साथ साथ आपके फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी that only half filled atomic orbital takes part in hybridization. Full filled एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन आल्सो टेक्स पार्ट, ठीक है। फुल फिल्ड वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंप्लीट। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी हाइब्रिडाइजेशन की। साथ में हम सैलिएंट फीचर्स भी पढ़ रहे हैं। सैलिएंट फीचर्स क्या है कि जितने भी कंडीशंस बनेंगे हमारी हाइब्रिडाइजेशन की, उनके बारे में भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट आप इन्हें नोट कर लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं फिर हम आगे सैलिएंट फीचर्स पर, ठीक है। सैलिएंट फीचर्स हम बता देते हैं आपको कि सैलिएंट फीचर्स क्या है कि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे आपके वो हमेशा इक्वल होंगे नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, ठीक है। जितने आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में कोलैप्स कर रहे हैं वो हमेशा इक्वल होंगे जितने की पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, क्लियर। पॉइंट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। मान लो आपके तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो तीन ही नए आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे इक्वल एनर्जी के, क्लियर। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप लोब्स बना रहे हैं तो जो बिगर लोब होगा वो पॉजिटिव होगा और स्मॉल लोब क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर सेम। जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट पॉइंट, शेप भी सेम होगी। शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आर सेम, उनकी शेप भी सेम होगी और उनकी एनर्जी भी सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे बने हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। द हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन फॉर्म
मोर स्टेबल बोन्स देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखिए जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उन्हें हम बोले हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, जो नए बनकर आ रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। अभी मैंने आपको बताया ठीक है, जो हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू आपको ऑर्बिटल्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे ठीक है, क्लियर। अब है जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा वही हमें ज्योमेट्री बताएगा मॉलिक्यूल की। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेल्स अस द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। भाई ये सब हम हाइब्रिडाइजेशन क्यों कर रहे हैं, जो शेप और ज्योमेट्री को हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या VSEPR थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी उसे कौन एक्सप्लेन करेगा, हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और शेप अच्छे से पता चल सके ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे कंडीशंस थी हाइब्रिडाइजेशन की, सेलेंट फीचर्स थे क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब यहां पर बात हुई है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की, नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा यही है कि हमें पढ़ना क्या है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे साथ में हम उनके एग्जांपल्स को पढ़ेंगे क्लियर। तो आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन अभी तक लेक्चर में जो पढ़ाया गया हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन क्यों किया जाता है, क्या रिक्वायरमेंट हुई, क्या क्या उसकी कंडीशंस है, उसकी सेलेंट फीचर्स है, जो सभी कुछ आपने पढ़ा है आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर। नोट करते हैं ना बच्चों, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ओके। फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन का टाइप होता है हमारा डायगोनल और SP हाइब्रिडाइजेशन ओके। इसे हम डायगोनल और SP हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। देखिए यहां पर SP आ रहा है, इससे क्या मतलब हुआ कि एक आपका एटॉमिक ऑर्बिटल होगा S ऑर्बिटल होता है और एक आपका P ऑर्बिटल, जो सेम वैलेंस शेल में हो, उनकी वैलेंस शेल सेम हो, एक ही एटम में वो बिलोंग करते हो, वो आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, मिक्सिंग करेंगे एनर्जीज की और नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे, तब इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे SP हाइब्रिडाइजेशन ठीक है। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, व्हेन 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम मेन शेल ऑफ एन एटम, क्या हो उनकी शेल क्या हो, मेन शेल जो हो वो सेम हो, एक ही एटम से बिलोंग करती हो, जब वो मिक्सिंग करेंगे मिक्स टूगेदर टू फॉर्म टू न्यू इक्विवेलेंट टू न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। इक्विवेलेंट मतलब उनकी एनर्जी भी सेम हो, उनकी शेप भी इक्वल हो, तब उन्हें क्या बोलते हैं हम इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। और इस हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोलेंगे SP हाइब्रिडाइजेशन। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड SP हाइब्रिडाइजेशन एंड the new orbitals are known as hybrid orbitals। जो नए orbitals बने उन्हें हम क्या बोलते हैं hybrid orbitals ठीक है। एक s एक p से मिल रहा है, दो atomic orbital है, एक s है एक p है, combination हुआ, दो नए आपके क्या बन गए
क्या बने? दो नए एटॉमिक ऑर्बिटल बने जो इक्विवेलेंट है एनर्जी में भी और शेप में भी, ठीक है? दो एटॉमिक ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया तो दो ही नए हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे इनकी शेल सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा 2s है, ये हमारी शेप है 2s की। 2s कैसा होता है? सर्कुलर शेप का होता है। ये ओवरलैपिंग करेगा s ऑर्बिटल से, p ऑर्बिटल से। देखिए यहां पर हमने ले लिया है p ऑर्बिटल, इसको हम क्या मान लेते हैं? तीन होते हैं p, तो इसे हम 2px मान लेते हैं। यहां हमने ले लिया y एक्सिस पर, ये हमारा क्या हो जाएगा? 2py। z एक्सिस भी होती है साथ में, तो z वाला भी फॉर्म कर लेते हैं हम। ये हमारा हो गया z वाला। ओके, ये हमारा कौन सा हो गया? 2pz, ठीक है? अब ओवरलैपिंग वही होगी जहां एनर्जी सेम, इनकी सबकी सेम है, बट s ऑर्बिटल का p से तो ओवरलैपिंग होना पॉसिबल नहीं, ठीक है? क्योंकि इनकी जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो सेम होनी चाहिए, इन दोनों की सेम होनी है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेंगे, ठीक है? ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन होगा और आपको क्या मिल जाएंगे? इस टाइप से देखिए, बिग लोब है, स्मॉल लोब है, ये आपका क्या, दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 180 डिग्री। तो ये हमारा कैसा हुआ? लीनियर। कैसा हुआ? लीनियर हुआ। ये हमारे क्या बन गए? 2 μ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे बन गए। यहां आप sp भी नोट कर सकते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है? तो इस तरीके की ओवरलैपिंग हुई, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हुआ। अब देखिए इसमें एस कितना कैरेक्टर है, पी कितना कैरेक्टर है, एक एस है और एक पी है, तो कितना कितना कैरेक्टर हो गया? 50% हमारा क्या हो गया? एस कैरेक्टर, और 50% ही हमारा क्या हो गया? पी कैरेक्टर। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा BEF2, BF2 इसी का एग्जाम्पल है, BECL2, BEH2 ये सभी इसी के एग्जाम्पल है, ठीक है? या कार्बन कार्बन के बीच में जहां ट्रिपल बॉन्ड आएगा, जितने भी कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड आएगा वो हमारे किसके एग्जांपल होंगे? एसपी हाइब्रिडाइजेशन के। समझ आया आपको? क्लियर? ये हमारा था फर्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसे कि हमने क्या बोला? एसपी हाइब्रिडाइजेशन या डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर। नोट इट, सेकेंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर चलते हैं अब हम। यही थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे हम। देखिए जो रिमेनिंग बचे हुए हैं ना हमारे दो एटॉमिक ऑर्बिटल जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ये अदर एटम्स के जो सेम हाइब्रिड ऑर्बिटल में हो, सेम एनर्जी स्टेट में हो, उनके साथ क्या करके बॉन्ड्स बना लेंगे, ठीक है? जो फ्री बैठे हुए हमारे, यहां पर हमारा s ऑर्बिटल था 2s, ठीक है? वो हमने एज इट इज बना लिया, ये 2px 2py 2pz। यहां पर चेंजेस करेंगे, नेम क्या हो जाएगा यहां? अगर एक s एक p से मिला था तो sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ठीक है? अब हमारा हो जाएगा दो p मिलेंगे हमारे एक s से, यानी कि sp2। यहां क्या होगा? एक s होगा और p कितने होंगे? दो। 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, भाई 2s तो हो ही नहीं सकते, 2s, 2s का मतलब ये नहीं है ये सेकंड शेल में है वो 2s है, लेकिन s का एटॉमिक ऑर्बिटल एक ही टाइप का होता है, ये s में एक ही ऑर्बिटल होता है, p में तीन होते हैं, तो इसीलिए हमें p इनको इंक्रीज कर सकते हैं। एक s मिलेगा किससे? 2p से, जो कि सेम शेल में होंगे, मिक्सिंग होगी उनकी, और कितने नए इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनेंगे? तीन। भाई थ्री, एक एस और दो पी मिल रहे हैं, तो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल ने क्या किया? हाइब्रिडाइजेशन, तो तीन ही नए बनेंगे हमारे। इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोलेंगे? sp2। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल भी हमारे क्या हो जाएंगे? sp2, मतलब ये आपस में कोवलैप्स करेंगे। अब की बार जेड रिमेनिंग रहेगा, ये किसी और अदर एटम से क्या कर लेगा? बॉन्डिंग। तो तीन कोवलैप्स कर रहे हैं तो किस टाइप की शेप होगी? इस टाइप की। यहां
स्मॉल लॉब्स यहाँ स्मॉल, यहाँ स्मॉल, ये हमारा इनके बीच में एंगल जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। ये जो हमारी शेप होती है वो ट्राइगोनल शेप होती है, दैट्स व्हाई दिस हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये हमारे क्या बन गए, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखिए इसमें तीन है, एक s है और दो p है, तो s कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 1/3। 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, s कैरेक्टर मतलब 33%, और p कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 2/3, क्योंकि तीन है उसमें से दो भाग किसके हैं, p के, तो 2/3 मतलब अप्रोक्सीमेट 67% हमारा क्या हो जाएगा, p कैरेक्टर। क्लियर, फॉर एग्जांपल्स क्या लिख सकते हैं, BF3, BH3, इन सभी की शेप मैं आपको सिखाऊंगा, अभी सभी की शेप आपको पढ़ाई जाएगी इसी लेक्चर में, हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट, इसके बाद इस हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, BH3, BF3, BCl3, ये सभी क्या होंगे, इनके एग्जांपल्स हो गए, और कार्बन कार्बन के बीच में जहां डबल बॉन्ड हो उसमें क्या था, एसपी में जहां कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा वो किसके एग्जांपल होंगे, एसपी के, जहां डबल बॉन्ड होगा वो किसके एग्जांपल होंगे, sp2 के। सिमिलरली जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा वो आगे आने वाले sp3 हाइब्रिडाइजेशन के इक्वल होंगे। तो ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर, नॉट इट, यहीं पर हम फिर से चेंजेस कर देते हैं थोड़े से। थर्ड टाइप है हमारा टेट्राहेड्रल, ये शेप आपने सुनी हुई होगी, टेट्राहेड्रल sp3 हो जाएगा, एक s कितने से मिल रहा है, 3p से, नए कितने बनेंगे, 4, टोटल कितना हो गए, 4 हमारे, 4 न्यू। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। ठीक है, तो ये तीनों आपकी बार कोलैप्स करेंगे तो शेप कैसी बनेगी, ऐसी। ठीक है, इन दोनों के यहां आ जाएंगे, ये इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, इसी शेप को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। ठीक है, CH4 की पढ़ी होगी ना आपने, इस टाइप की, ये हमारी क्या है, टेट्राहेड्रल शेप है, मेथेन की होती है। सबसे सिंपल एग्जांपल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, मेथेन, सबसे सिंपल। ये हमारे क्या बन गए, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, s कैरेक्टर कितना हो जाएगा बताइए, एक s और 3p मिल रहे हैं यहां पर, एक s कितने से मिल रहा है, 3p से, तो कितना कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 यानी कि 25% आपका s कैरेक्टर, और p कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 3/4 यानी कि 75%। एग्जांपल CH4, CCl4, और कार्बन कार्बन के बीच में जहां सिंगल बॉन्ड आएगा, ये सभी इसी के एग्जांपल है, और भी हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, उनकी शेप्स के बारे में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये हमने तीन टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिए, sp sp2 और sp3। आगे आने वाले स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे आगे और हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि हमारा sp3 भी, अभी तक हमारे s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल से क्या कर रहे हैं, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन, डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं उनसे भी करेंगे, तब हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, sp3d2, d2sp3, sp3d3, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और इनके एग्जांपल्स के और शेप्स के। ओके, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं अब हम ज्योमेट्री पर, हाइब्रिडाइजेशन और एग्जांपल्स। अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बारे में, कि हाइब्रिडाइजेशन आपका कैसे ज्योमेट्री के बारे में बताता है किसी भी मॉलिक्यूल की। हाइब्रिडाइजेशन से ध्यान रखिए, हाइब्रिडाइजेशन से हमें पता चलती है ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, ज्योमेट्री कैसी होगी मॉलिक्यूल की हमें हाइब्रिडाइजेशन बताता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स। अब ज्योमेट्री के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन को मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड से। ठीक है, पाई बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है।
ओके okay? अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, चलिए पहले देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मैंने अभी आपको सिखाया कि क्या होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब मिक्सिंग कैसे हो सकती है, देखिए एक एस मिल सकता है एक पी से, क्या बन जाएगा दो नए एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या नेम हो जाएगा इनका sp, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। शेप कैसी होती है, लीनियर, इस टाइप से इस टाइप से, ठीक है 180 डिग्री का एंगल हो गया, लीनियर शेप। एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं BH2 BCl2 BEF2 ये सब इसके एग्जांपल है इसके sp हाइब्रिडाइजेशन के। सेकेंड एक एस मिल सकता है किससे, दो पी से, एक एस मिल सकता है किससे दो पी से, तो एक एस दो पी से मिलेगा तो कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तीन, 1 2 3 ये क्या हो जाएंगे sp2। शेप कैसी हो जाएगी, ये ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर प्लेनर। ओके एग्जांपल्स BF3 ठीक है BCl3 सभी इसी के एग्जांपल है BF3 BCl3। कार्बन वाले भी ले सकते हैं C2H4 C2H4 भी इसी का एग्जांपल है, इसमें कार्बन वाला लेंगे तो हम क्या आ जाएगा C2H2 BCl3 ये सभी इसी के एग्जांपल है ठीक है। फिर क्या कंडीशन हो सकती है, एक एस मिल सकता है तीन पी से, पी तीन हो सकते हैं, चार नए है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे क्या हो जाएगा sp3। शेप कैसी हो जाएगी, ये टेट्राहेड्रल। एग्जांपल CH4 CCl4 सभी इसी के एग्जांपल है C2H6। ओके फिर क्या कंडीशन हो सकती है, एक s मिल सकता है तीन p से और साथ में एक d से, पांच नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे 1 2 3 4 5 ठीक है, कौन सा हो जाएंगे sp3d। शेप कैसी हो जाएगी, इस टाइप की ठीक है। तीन तो आपके ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल एक प्लेन में होंगे और ये दो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होंगे, जो तीन एक प्लेन में होंगे उनके बीच का एंगल होगा 120 और इनके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री ठीक है। शेप कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल बाय प्लेन पिरामिडल। देखिए बाय पिरामिडल क्यों बोला, ट्राइगोनल क्या है ट्रायंगल टाइप बनना है जो एक प्लेन में है, बाय पिरामिडल अगर हम इसको ऐसे शेप को बनाते हैं तो एक पिरामिड ऊपर बनता है एक पिरामिड नीचे बनता है तो बाय पिरामिडल हुआ। क्लियर, एग्जाम्पल PCl5 सबसे सिंपल एग्जाम्पल इसका ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स है PF5 वगैरह, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका PCl5। नेक्स्ट क्या हो सकता है, एक एस मिल सकता है तीन पी से और दो डी से। ओके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको बताया जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए आपके क्या बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7। ओवरऑल कितने हो गए 7, यहां कितने थे 6, 1 2 3 4 5 5 थे यहां पर, यहां कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, यहां पर 1 2 3 4 5 6। ओके तो ये हमारे नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं sp3d2। सिमिलरली हमारे बन जाएंगे sp3d3 1 2 3 4 5 6 sp3d3 ठीक है। इनकी शेप्स के बारे में भी अब हम डिस्कशन करेंगे, एग्जांपल्स भी ले लेंगे, यहां पर इसका एग्जांपल ले लेते हैं sf6 हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी और ये हो जाएगी आपका एग्जांपल हो जाएगा इसका IF7 और ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ओके तो इस टाइप से हम हाइब्रिडाइजेशन ये पढ़ने वाले हैं, आप पहले इन्हें नोट कर लीजिए फिर हम वन बाय वन क्या करेंगे इनके एग्जांपल्स पर चलते हैं। ओके
इसी लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन। इस लेक्चर से बाहर कुछ नहीं आएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। एंड वन मोर थिंग, हम यहाँ पर पहले डिटेल में पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन को, फिर हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कुछ ट्रिक्स के बारे में सीखेंगे, सुपर ट्रिक्स, ओके, कि आप कैसे मॉलिक्यूल से उसकी हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी शेप बता सकते हैं। नॉट इट? चलिए आगे चलते हैं, वन बाय वन अब स्टार्ट करते हैं हम डिस्कशन सभी हाइब्रिडाइजेशन पर। लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा आज का, बट हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होगा इस लेक्चर में। फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है हमारा एसपी हाइब्रिडाइजेशन, ओके। एसपी हाइब्रिडाइजेशन से आप क्या समझ रहे हैं, यहां पर एक एस और एक पी ऑर्बिटल आपका मिलकर क्या बनाएगा, दो नए एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखिए एक एस है हमारे पास यहां पर, ये एक पी है, दोनों ने अटैचमेंट किया, क्या बन गया ये इस टाइप से, ये बिग लोब्स है, ये स्मॉल लोब्स है, दोनों के बीच में एंगल कितना का हो गया 180 डिग्री का हो गया। ये शेप कैसी हो गई, लीनियर। ये जो हमारा नया बना है ये क्या बन गया है, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। कितने नए एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जितने आपके कंबाइन करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हमारे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने कंबाइन किया है, दो ने, तो दो ही नए एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स पर आ जाते हैं, BEF2 ले लेते हैं इसका एग्जांपल। तो हमारा ये बना इस टाइप से, ये तो हमारा एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ बेरिलियम का, ठीक है। बेरिलियम की क्या रिक्वायरमेंट है, बेरिलियम कितना होता है एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 4 के अकॉर्डिंग हो गया। अब देखिए यहां पर एक भी हाइब्रिड ऑर्बिट, वो हाफिड ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग कैसे करेगा, फ्लोरीन से हमें बनाना है मॉलिक्यूल क्या, BEF2। तो एक बेरिलियम दो फ्लोरीन से बॉन्डिंग करने के लिए इसको दो हाफिड एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए। तो क्या होगा, बेरिलियम अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जाने के आगे इससे मैं शॉर्ट में लिखूंगा FES। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s1 और 2p1, इसके पास 2p ऑर्बिटल खाली था तो इसने एक इलेक्ट्रॉन जंप किया वहां पर, ठीक है। ऐसे ये 2s हो गया और ये यहां पर हो जाएगा 2p, एक इलेक्ट्रॉन यहां एक इलेक्ट्रॉन यहां। अब इसके पास क्या हो गया, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे क्या हो गए, हाफ फिल्ड हो गए। यहां पर क्या होगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 9, क्या बन जाएगा देखिए 2p, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक तो यहां पर आ जाएगा फ्लोरीन का एटम, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसका अपोजिट बना लेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही यहां पर आ जाएगा, इसको हम यहां फिल कर देंगे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम है, आप कहीं पर भी फिल कर सकते हैं। यहां से इस टाइप से होगी बॉन्डिंग, यहां से इस टाइप से होगी, ठीक है। तो बेरिलियम किससे रिएक्शन करेगा, F, फ्लोरीन, फ्लोरीन के कितने p ऑर्बिटल से, दो से, देखिए यहां पर इस टाइप से ये की बॉन्डिंग, एक फ्लोरीन है और ये की दूसरे फ्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन, देखिए कैसी शेप हो गई, लीनियर। तो इस टाइप से शेप बन गई हमारी BEF2 की, ठीक है। ये समझ में आपको कैसे हुआ, बेरिलियम के पास एक भी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं था, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप किया पी ऑर्बिटल में, ठीक है। दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, अब एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग करेगा एक फ्लोरीन से और दूसरा करेगा दूसरे से, ठीक है। अब बात आएगी लीनियर ही क्यों हुई शेप, देखिए हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ऐसे भी तो हो सकती थी, आप बोलते ऐसे भी तो हो सकती थी सर, लेकिन नहीं होगी, क्यों, देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है, वहां पर एटम्स को सेट करता है जहां पर रेपल्शन सबसे कम हो, ठीक है। रेपल्शन सबसे कम कहां होगा, जब वो सबसे दूर होंगे, सबसे दूर किस पोजीशन में है, यहां पर, वही यहां तो पास है, यहां भी पास होंगे, यहां भी पास होंगे, दूर कब होंगे, जब वो बिल्कुल लीनियर हो, ठीक है। दो एटम है तो दो ऐसे एडजस्ट करेगा, हाइब्रिडाइजेशन ऐसे एडजस्ट करेगा इन एटम्स को कि रेपल्शन सबसे कम हो, तो रेपल्शन यहां पर सबसे कम आ रहा था लीनियर शेप में, that's why the shape of the
BEF2 is linear. ओके कैसी शेप हो गई इसकी? लीनियर. क्लियर. अब एक एग्जांपल इसका और ले लेते हैं हम. चलिए इसे नोट कर लीजिए पहले. कार्बन वाला एग्जांपल भी ले लेते हैं. कार्बन वाला एग्जांपल क्या होता है इसका? C2H2. ठीक है. अब देखिए C2H2 की शेप कैसी होती है, इस टाइप से एसिथिलीन गैस. अब आप कहेंगे इसमें सिग्मा बॉन्ड है और दो हमारे कितने हैं, एक इसमें सिग्मा बॉन्ड यहां पर दिखाई दे रहा है, दो कितने हैं पाई बॉन्ड. तो ये कैसे हो रहा है? ठीक है. अब कार्बन क्या है, देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1s2 2s2 2p2. एक यहां पर क्या हो जाएगा, इसका फिलेशन करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहां, दो इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब दो इलेक्ट्रॉन के लिए अब यहां पर क्या है, आपको हाइड्रोजन कितने फिक्स करने हैं, हाइड्रोजन फिक्स करने हैं आपको दो कार्बन पर, दो हाइड्रोजन फिक्स करने हैं. क्लियर. तो ये क्या हो जाएगा, ये 2px मान लीजिए, 2py मान लीजिए, 2pz भी चाहिए, इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा 2pz की फॉर्म में. तो क्या शेप आ जाएगी, एक्साइटेड स्टेट में ये हो जाएगी कंडीशन. ठीक है. अब देखिए यहां पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, बॉन्डिंग करेगा, और दूसरा कार्बन दूसरे हाइड्रोजन से, इसे दूसरे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग करेगा. हाइड्रोजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक. तो एक एक तो यहां बॉन्डिंग हो गई, एक कार्बन की इससे होगी, एक कार्बन से इसकी होगी, साथ में एक कार्बन दूसरे कार्बन से भी बॉन्डिंग करेगा. यहां पर एसपी कंडीशन है हमारी, जो दोनों कार्बन है वो किस स्टेट में है, एसपी हाइब्रिड स्टेट में. तो यहां पर ये तो बॉन्डिंग होगी, ये वाला एस वाला बॉन्डिंग करेगा किसके साथ, दूसरे कार्बन के, एक हाइड्रोजन, ये दोनों रिमेनिंग रह जाएंगे दोनों कार्बन के, देखिए फर्स्ट कार्बन के भी और सेकंड कार्बन के भी. तो फर्स्ट कार्बन की हम स्टेट ऐसे बना लेते हैं, लीनियर आएगा तो ऐसा आएगा इस टाइप से, ये फर्स्ट कार्बन हुआ, ऐसे ही दूसरा आएगा थोड़ा सा इसको ऐसा कर देते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन से भी बॉन्डिंग करेगा, तो दूसरा इस टाइप से आ जाएगा कुछ. ठीक है. अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये जो फ्री ऑर्बिटल्स हैं 2px 2py वाली, एज इट इज प्रेजेंट रहेगी. देखिए ये हुआ हमारा किसका, 2py का, ये मान लेते हैं हम 2pz का, इस टाइप से. क्लियर, दिखाई दे रहा है. इनमें हम लोब्स नहीं बनाएंगे, स्मॉल लोब्स, क्यों, क्योंकि इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया. अब देखिए ये कार्बन का है, फर्स्ट कार्बन का, ये सेकंड का, कौन सा, 2px 2px, ये 2py 2py 2pz 2pz. अब ये दोनों को जो बॉन्डिंग करेंगे, इन्होंने आपस में कर ली, ठीक है, एक एक बॉन्डिंग हो गई हमारी कार्बन की, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये हमारा सेकंड कार्बन है, दोनों की कंडीशन सेम रहेगी इस तरह से. ठीक है. एक इसी ने बॉन्डिंग कर ली, ये जो बॉन्डिंग दिखाई दे रही है जिसकी हेल्प से आपका ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, हमारा बॉन्ड बन गया क्या, सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन की हेल्प से. अब एक कार्बन दूसरे हाइड्रोजन से क्या करेगा, बॉन्डिंग इस टाइप से, ये हमारा 1s हो गया हाइड्रोजन का, किसका हो गया, हाइड्रोजन का, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये हमारा दूसरे हाइड्रोजन का हो गया 1s. ठीक है, 1s ऑर्बिटल में आते हैं ना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, तो ये हमारे दूसरे हाइड्रोजन का हो गया. अब रिमेनिंग क्या है, देखिए रिमेनिंग क्या है, ये दोनों, तो ये आपस में इस टाइप से बॉन्डिंग करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग पढ़ाया था आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में, ये इससे करेगा. ठीक है, ये इससे करेगा इस टाइप से और ये इससे करेगा इस टाइप से. तो यहां पर कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एसपी है, लेकिन जो बॉन्डिंग हो रही है ये यहां से क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं. तो इसी वजह से कार्बन, देखिए कार्बन ने कार्बन से बॉन्डिंग की, सिग्मा बॉन्ड आ गया, ठीक है ये बन गया. कार्बन ने हाइड्रोजन से बॉन्डिंग की, ठीक है सिग्मा बॉन्ड बन गया, इधर भी सिग्मा बॉन्ड बन गया. अब रिमेनिंग क्या है, कार्बन का, फर्स्ट कार्बन का 2py ने बॉन्डिंग की साइड वाइज इसके साथ दूसरे कार्बन के, तो वहां पर बन गया हमारा पाई बॉन्ड. ऐसी दूसरे 2pz ने की, वहां भी हमारा क्या बन गया, पाई बॉन्ड. इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर बन जाती है एसिथिलीन की, C2H2 ऐसे बनती है स्ट्रक्चर. ठीक है, क्लियर हुआ आपको. और जनरल स्ट्रक्चर आप बनाना चाहें तो जनरल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, जैसे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, ये जो हमारा ये है, एक तो जाएगा देखिए इस टाइप से, एक इस टाइप से हम बना लेते हैं,
ये हमारा क्या है, ये अबाउ का है, अबाउ द प्लेन जो पाइवोट है, ये हमारा है बिलो द प्लेन, ये हमारा बैक साइड में है, ये हमारा फ्रंट साइड में है। इस टाइप से बन सकती है आपकी नॉर्मल स्ट्रक्चर। ओके, तो ये हमारे दोनों एग्जांपल हो गए। हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको जनरल वे में भी सिखा दिया, और कार्बन के कंपाउंड्स में जहां आप सिग्मा बोन पाई बोन दोनों का फॉर्मेशन होता है वहां आपका एसपी हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है उसका भी एग्जांपल हमने देख लिया। एग्जाम में पूछी जा सकती है आपकी एसिटिलीन की स्ट्रक्चर आपसे। ओके, सो नॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं हम सेकेंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर, एसपी टू। एसपी टू में क्या हुआ बच्चों, एक एस दो पी से कोलैप्स करेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम बी एफ थ्री, इसका एग्जांपल है। और भी एग्जांपल्स हैं, हम इससे बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बोरोन का क्या होगा देखें, एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1। अब इसके पास कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाफ है, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स वन है, लेकिन कोलैप्स करना है किसके साथ, हाइब्रिडाइजेशन करना है तीन फ्लोरीन के। तो क्या होगा, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आएगा अपनी, कौन, बोरोन। चलिए भाई यहां से इलेक्ट्रॉन को ये भेजेगा यहां 2p2 में, कैसे देखिए, इसकी जनरल स्ट्रक्चर ये थी 2s और 2p, ये इलेक्ट्रॉन गया यहां, क्या बन गया 2s में और 2p में आपके एक एक इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हुए, 3। इजीली क्या करेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे किसके साथ, फ्लोरीन के, एक फ्लोरीन इससे करेगा, एक फ्लोरीन इससे, एक फ्लोरीन इससे करेगा। ओके, समझ आया आपको, वहां पर एंगल कितना था 180 डिग्री, यहां पर भी क्या होगा, एंगल में चेंज होगा। अब एंगल में चेंज क्यों होता है, मैंने आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन का काम क्या है कि ये एटम्स को इस टाइप से सेट करता है कि उनके बीच में रिपल्शन कम हो, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बोरोन हमारा किस में कंडीशन में है, sp2 कंडीशन में है। तो क्या होगा आपका, देखिए एक s है हमारे पास, 2s ऑर्बिटल, एक दो p है, कौन कौन से, एक यहां ले लेते हैं इस टाइप से, ठीक है, ये हमारा हुआ, और एक ले लेते हैं इस टाइप से, कोई भी एक्सिस ले सकते हैं हम, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, कुछ भी मान सकते हैं, हमने एक्स मान लिया, ये वाई मान लिया, ठीक है। अब कोलैप्स होगा इनका आपस में, और कैसे बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा बन जाएगा, ये कहीं सर क्या फूल से बना रहे हैं, ठीक है, ये फूल ही है, इसकी शेप कैसी है, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। एंगल कितना होगा, सारे 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है, आप नहीं नाप सकते हैं, आप मेजर नहीं कर सकते एंगल्स को, किया हुआ है, ठीक है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए हमारे, शेप कैसी होगी, सॉरी शेप नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कैसी होगी इनकी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हमें बताता है ज्योमेट्री के बारे में। शेप कब चेंज होती है, जब हमारे लोन पेयर्स भी आ जाते हैं, लोन पेयर्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, ये हमारी है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। तो बता लेते हैं इनकी स्ट्रक्चर BF3 की कैसी होगी, देखकर फटाफट स्पीड से, ये हमारी शेप हो गई, ये हमारा हो गया क्या, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इससे जुड़ा एक फ्लोरीन ये इस टाइप से, इससे जुड़ा दूसरा फ्लोरीन इस टाइप से, इससे जुड़ा तीसरा फ्लोरीन इस टाइप से, ठीक है। ये हमारा बोरोन हो गया, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, सारे एंगल कितने हो गए, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। ओवरलैपिंग कहाँ होगी, ये दिखाई दे रही होगी आपको, ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, BF3 की स्ट्रक्चर नॉर्मल बनाएंगे क्या हो जाएगी, यहाँ F, यहाँ F, यहाँ F, और एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ये हमारी किसकी बन गई, BF3 की स्ट्रक्चर। बोरोन क्या है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि एक एस और दो पी मिले हैं आपस में, तीन नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बने हैं जिन्हें हम क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, कार्बन का एग्जांपल भी ले सकते हैं इसमें, कार्बन का एग्जांपल से समझाते हैं, चलिए आपको इसे नोट कर लीजिएगा आप वीडियो पॉज करके, चलते हैं नेक्स्ट कार्बन के एग्जांपल पर। बहुत सारा वर्क है आज, पढ़ते रहिए बस, ठीक है।
C2H4 इसका एग्जांपल है, ठीक है। अब देखिए कार्बन क्या है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। क्या बन जाएगा, यहां दो इलेक्ट्रॉन, यहां भी दो ही इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, यहां शिफ्ट हो गया, कैसे, एक्साइटेड स्टेट में ये हो गया, कितने हो गए, चार, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, चार। अब देखिए एक कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच होने हैं, तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से भी अटैच होगा, ठीक है। तो हमारा शेप कैसी बनेगी, sp2 हाइब्रिडाइज में हमारी शेप कैसी बनती है, कैसी शेप बनती है भाई, यहां देखिए पहले समझ लीजिए, ये 2s हो गया, ये हमारा प्लस ऐसे 2p हो गया या 2px, ठीक है, ये इस टाइप से हो गया, और एक हो सकता है इस टाइप से। अब बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, देखिए ये पार्टिसिपेट करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा, sp2 करना है ना, तो sp2 तो यही हो गया, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये दूसरे उसके साथ अटैच हो जाएगा, दूसरे एटम के साथ किसी और के, ठीक है। तो क्या होगा, इस टाइप से स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी, देखिए प्लेनर में ये यहां ये यहां, ये तो आपकी वही बन गई, ठीक है, अगर हमने इसको इस टाइप से कर लिया। साथ में ये जो जेड वाला है, ये एज इट इज यहां रहेगा, ये तीन तो एक प्लेन में आ जाएंगे, ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन रहेगा, ठीक है। अब इसी के बेसिस पर हमारी स्ट्रक्चर बनती है कौन सी, C2H4 की। तो C2H4 की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी देखते हैं, चलिए ये जो हमारा क्या बना, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना कार्बन का, यहां बना देते हैं 1 2 3, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, ठीक है। यहां दूसरे कार्बन आया, ये इस टाइप से बना दिया, इधर की साइड एक अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, यहां लोब्स बनाएंगे, यहां लोब्स बनाएंगे, यहां लोब्स बनाएंगे, इन दोनों में नहीं बनाएंगे, ठीक है, यहां बनाएंगे, यहां बनाएंगे, यहां बनाएंगे, इसमें नहीं बनाएंगे क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है। अब देखिए एक कार्बन, ये हमारा फर्स्ट कार्बन हुआ, ये हमारा सेकंड कार्बन हुआ, तो कार्बन क्या करेगा, दो हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर ली, यहां हाइड्रोजन से फर्स्ट से, ये यहां कर ली सेकंड से, ये यहां कर ली फर्स्ट से, ये यहां कर ली इसने बॉन्डिंग सेकंड हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का 1s हो गया ना, तो एक कार्बन ने दो हाइड्रोजन से की, एक कार्बन ने दो हाइड्रोजन से, क्या हो जाएगा, C2H4 बन गया, कार्बन कार्बन ने सेल्फ कर ली, ये हमारे किससे, ये जो हमारा 2s था, ठीक है। अब ये बच गया, देखो ये रिमेनिंग है ना Z वाला, जो अभी मैंने बताया ये वाला रिमेनिंग है, तो ये क्या करेगा, ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, कर ली साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो क्या मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होगी, देखिए यहां बन गया सिग्मा बॉन्ड, यहां बनेगा पाई बॉन्ड, यहां सिग्मा, यहां सिग्मा, यहां सिग्मा, यहां सिग्मा, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, तो यहां सिंगल बॉन्ड बना तो सिग्मा, और एक बन गया पाई बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड आ गया, यहां कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन, एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन, एक सिंगल बॉन्ड से, एक सिंगल बॉन्ड से, पढ़ी है ना स्ट्रक्चर C2H4 की, क्या होता है 10th क्लास में पढ़ी थी C2H4 की स्ट्रक्चर, तो एक सिग्मा बॉन्ड मिड में आ गया, ठीक है, ये सारे सिग्मा है, तो सिग्मा बॉन्ड ओवरऑल कितने हो गए, काउंट करने के लिए अगर बोले तो जितने सिंगल बॉन्ड है सारे सिग्मा, 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड, और बैंड 1 कितना हो गया पाई बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर कार्बन हमारा क्या हुआ, sp2 हाइब्रिडाइज, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर, नोट इट, चलिए चलते हैं sp3 पर। sp3 क्या होगा, एक s बॉन्डिंग करेगा किससे, 3p से, ठीक है, एक s किससे बॉन्डिंग करेगा, 3p से, एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए इसका CH4, CH4 कार्बन का कितना हो गया 6, 1s2 2s2 2p2, अब तो याद हो गए होंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, 1, ठीक है, यहां 2, ये यहां जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, जिसको एनर्जी मिलेगी वही परेशान होगा, ठीक है, वही दूसरे से टकराएगा जाकर इस टाइप से। तो यहां क्या हो गया, ये 2s हो गया, 2p हो गया, एक s और कितने हैं, 3p, कैसा हो सकता है, 1, बहुत बढ़िया, ऐसे चलेंगे 2 3, ठीक है, क्या बन जाएगा शेप कैसी बनेगी, देखिए 1 2 3
फोर, वन टू थ्री फोर, ये हमारा क्या हो गया, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, शेप नहीं होगी, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ज्योमेट्री बता रही है हमारा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन केवल ज्योमेट्री के बारे में बताता है। अब सी एच फोर कैसे बनेगा, देखिए यहीं पर क्या हो जाएगा, ये हमारा बन गया इसकी शेप sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की इस टाइप से, ठीक है। और यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा, देखिए एक हाइड्रोजन आया, ये दूसरा हाइड्रोजन आ गया 1s, ये तीसरा हाइड्रोजन आ गया 1s, ये चौथा हाइड्रोजन आ गया 1s, ठीक है। तो शेप कैसी हो गई, ये एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, ऐसे नोट कर सकते हैं आप, एच 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 सी एच फोर की 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, क्लियर, नॉट इट। नेक्स्ट इसी के जैसा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर हम, जिसमें कि sp3 हाइब्रिड होगा कार्बन C2H6, देखिए दो कार्बन हो गए, अब शेप कैसी होगी बनाते हैं, चलिए ये वन टू थ्री फोर, ये फर्स्ट हो गया हमारा, इसे कोलैप्स करेगा दूसरे कार्बन का, वन टू थ्री इस टाइप से, यहां बना देते हैं हम स्मॉल लोब्स, ठीक है। अब क्या होगा, ये कार्बन ने कार्बन से बॉन्डिंग की दूसरे ने, एक हाइड्रोजन करेगा दूसरे हाइड्रोजन से, ये हमारा कार्बन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, देखिए ये कार्बन कार्बन है, ठीक है, कार्बन ने हाइड्रोजन से की सी एच थ्री हो गया, सी एच थ्री हो गया, क्या बन गया सी टू एच सिक्स, तो सी टू एच सिक्स में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, एंगल कितना हो जाएगा 100 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। यहां पर सी टू एच सिक्स में देखिए हमने पढ़ा सी टू एच टू कार्बन का क्या हो गया sp, सी टू एच फोर पढ़ा क्या हो गया sp टू, सी टू एच सिक्स पढ़ लिया क्या हो गया sp थ्री। तो मैंने आपको सिंगल कार्बन का भी सिखा दिया और डबल बोन का भी सिखा दिया, ट्रिपल बोन का भी सिखा दिया, इन आपको सिखा दिए गए हैं, ठीक है। तो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 और sp3। नेक्स्ट चलते हैं हम आप आगे d ऑर्बिटल्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, sp3d क्या पढ़ेंगे, sp3d जिसमें एक d ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व हो चुका हो बॉन्डिंग में, ठीक है, चलिए नोट कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं हम sp3d पर, अब तक हाइब्रिडाइजेशन समझ में आने लगा होगा, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, sp3d पढ़ेंगे आप, तो क्या होगा, एक s होगा हमारे पास, तीन p होंगे, z एक्सिस वाला, y एक्सिस वाला और x एक्सिस वाला, तीनों आ गए, चलिए d ऑर्बिटल देखिए, d डिपेंड करेगा, d ऑर्बिटल आपके पांच होते हैं, होते हैं कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, तो यहां पर कौन सा आता है, ये आता है डी जेड स्क्वायर, जिसकी शेप कैसी होती है कुछ इस टाइप से, ये डी जेड स्क्वायर वाला इन्वॉल्व होगा, ठीक है। एसपी थ्री डी टू में कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, ये दोनों, और एसपी थ्री डी थ्री में कौन से होंगे, ये तीनों, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। तो कैसे बनेगा, देखिए एक एस है, तीन पी है और एक डी है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, एसपी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन, एग्जाम्पल कौन सा ले रहे हैं हम, पी सी एल फाइव। तो शेप कैसी बनेगी, देखिए ये यहां पर इस टाइप से बन जाएगी, तीन तो आ जाएंगे हमारे एक प्लेन में, ये तीन एक प्लेन में आएंगे, वन टू थ्री, और एक आएगा अबाउ द प्लेन, एक आएगा बिलो द प्लेन, ठीक है। तो शेप कैसी होगी, देखिए तीन एंगल से बन गया ट्राइगोनल, और अगर हम ऊपर वाले को ऐसे मिलाए, ये एक पिरामिड बनता है, नीचे वाले को मिलाए एक पिरामिड बनता है, तो बाय पिरामिडल, ठीक है। तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो पीसीएल फाइव की भी ऐसी होगी, देखिए यहां सीएल, यहां सीएल, यहां
सीएल, बीच में क्या होगा फास्फोरस, एक सीएल ऊपर एक सीएल नीचे। देखिए ये जो कंडीशन होती है जो प्लेन में होते हैं तीनों, ठीक है, इनके बीच का एंगल होता है 120 डिग्री, और एक जो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन होता है उसके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। जो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन 90 डिग्री है तो ये कैसे होंगे एक्सियल पोजीशन वाले, ये हो जाएंगे इक्वाटोरियल पोजीशन वाले, ठीक है। ये हमारे PCl5 में तीन टाइप के क्लोरीन होते हैं, दो टाइप के, तीन तो उसमें से होते हैं इक्वाटोरियल पोजीशन पर जो प्लेन में प्रेजेंट होंगे, और बाकी दो होते हैं हमारे एक्सियल पोजीशन पर, ए मतलब एक्सियल, ई मतलब इक्वाटोरियल, ठीक है। तो ये हमारी किसकी शेप हो गई PCl5 की, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम sp3d2 पर, इस पर sp3d2, sp3d2 एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल sf6, यहां पर d वाला एक और इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये d वाला हम नोट करेंगे x2y2 वाला, ये dz2 था, इसने भी पार्टिसिपेट किया, तो sp3d2 हो जाएगा। s p कितने हैं 3, d कितने हैं 2, तो sp3d2। एग्जांपल sf6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, देखिए इसकी कैसे, यहां देखिए यहां मिड में प्रेजेंट होगा, एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो ये बन जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, यहां ऐसे, यहां भी ऐसे, यहां भी ऐसे, देखिए कितना बढ़िया फ्लावर बनाया आपका, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबके बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, तो SF6 की स्ट्रक्चर भी ऐसी हो जाएगी, बना देते हैं। इस टाइप से सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे 90 डिग्री के। ज्योमेट्री कैसी होगी ऑक्टाहेड्रल, कौन सी ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल, ओके। तो SF6 की ज्योमेट्री कैसी हो गई हमारी ऑक्टाहेड्रल, क्लियर। एंगल 90 डिग्री, सारे एंगल कितने होंगे 90 डिग्री। TF6BG का ये एग्जांपल है, SF6 सबसे इजी एग्जांपल है जो आप एग्जाम में नोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा रह गया कौन सा sp3d3, ठीक है, वो एग्जाम में वैसे पूछा नहीं जाता है, फिर भी मैं आपको सिखा देता हूं। sp3d3 sp3d3 पढ़ेंगे, इसका एग्जांपल एक ही प्रेजेंट है if7, पी भी यहां पर तीन आ जाएंगे अब की बार, ठीक है। पहले देखिए ये ले लिया हमने dxy, x एक्सिस y एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा y एक्सिस z एक्सिस हो जाएगा, ये ऐसे ही हमारा x और z हो जाएगा, ये डी वाई जेड हो गया और ये डी एक्स जेड हो गया, कितने बन गए sp3d3, ठीक है, कितना हो गए sp3d3। तो इसकी शेप कैसी होगी, पांच हो जाएंगे, देखिए वन यहां पर हम नोट कर देते हैं मिड में, तो एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन हो जाएगा, एक यहां हो जाएगा एक यहां हो जाएगा एक यहां हो जाएगा एक यहां हो जाएगा और एक यहां, ठीक है, ऐसे करके इसको मिला देते हैं तो ये पेंटागोनल बन जाता है। एक अबव द प्लेन हो गया एक बिलो द प्लेन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्लियर। यहां पर स्मॉल लोब्स बना देंगे आप, IF7 की स्ट्रक्चर, I यहां पर, एक यहां पर F, 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 F और ये F, यहां से इसको मिला देते हैं, ये हमारा पेंटागोनल हो गया और ऊपर नीचे पिरामिड टाइप बन जाएगा, तो इसका ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। एंगल ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 डिग्री, इस टाइप से, ठीक है। जो हमारे इक्वाटोरियल और एक्सियल के बीच एंगल होता है वो 90 डिग्री,
90 डिग्री पर प्रेजेंट होता है, और जो ये हमारे पांच पेंटागोनल पर प्रेजेंट है इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल होता है, 72 डिग्री का। ये हमारा एग्जांपल हो गया sp3d3 का, ठीक है। एक dsp2 भी होता है, बट वो यहां नहीं पढ़ेंगे आप, 12th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ाई जाएगी, वहां पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। उसकी शेप कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, इस टाइप से। ये ओके, चलिए यहां हाइब्रिडाइजेशन आपको सभी टाइप के हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे देख लेते हैं जिनमें लोन पेयर भी प्रेजेंट हो, लोन पेयर की कंडीशन क्या होगी, ठीक है, लोन पेयर वाले हाइब्रिडाइजेशन। भाई अभी तक किसी में भी कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो लोन पेयर भी प्रेजेंट करना जरूरी है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें लोन पेयर भी प्रेजेंट होगा, तो फॉर एग्जांपल हम NH3 ले लेते हैं, ठीक है। NH3 में एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो इस पर क्या डिपेंड करेगा, लोन पेयर कैसे आया। देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है यहाँ पर, 7 को हम क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p3, तो इसको ऐसे फिल कर देंगे हम। लोन पेयर क्या हो, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करता हो। नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तीन, तीनों के लिए एक एक हमारा क्या प्रेजेंट है, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये चार नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेगा, एक में तो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, बाकी तीन में एक एक, यहाँ एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ दूसरे का, यहाँ तीसरे का, इस टाइप से हो जाएगी इनकी हाइब्रिडाइजेशन। ये रिमेनिंग रह गया, तो ये क्या हो जाएगा, एज अ लोन पेयर प्रेजेंट। ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल देखेंगे, ये आ गए यहाँ पर, ये और ये, ठीक है। यहां देखेंगे 1 2 3, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इसका, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इसका, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इसका। यहां पर हमारे दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजन यहां प्रेजेंट हो गया, तो NH3 जैसे बन गया, 1 2 3, ये शेप हो गई, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा एक लोन पेयर, ठीक है। ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए इसकी, टेट्राहेड्रल, इसकी बात कर रहे हैं ज्योमेट्री की, शेप की नहीं कर रहे हैं। अब इस लोन पेयर की वजह से ये एंगल कितना होता था टेट्राहेड्रल में, 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन लोन पेयर की वजह से कम हो जाएगा, कम होकर, क्योंकि लोन पेयर और बोन पेयर के बीच में रेपल्शन रहता है, इसे क्या करेगा, नीचे की तरफ फोल्ड कर देगा, तो एंगल कम हो जाएगा, कितना, 107 डिग्री। और शेप कैसी हो जाती है इसकी, शेप कैसी हो जाती है इसकी, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल हो गया और पिरामिड टाइप बन रहा है, इसलिए इसकी शेप कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। तो ये मैंने लोन पेयर वाला एग्जांपल भी समझा दिया आपको। अब हम पढ़ेंगे कि देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं। अब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले शेप बनाएंगे, नहीं, शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे आपको। शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगी कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं आप किसी भी गिवन मॉलिक्यूल का, ठीक है, गिवन मॉलिक्यूल का आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, उसके दो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं। एक तो ट्रिक होगी, शॉर्ट ट्रिक बाद में हम उसे डिस्कस करेंगे, पहले अगर आपको शेप पता है, ठीक है, या आपको मैं कह सकता हूं कि सिंगल बॉन्ड पता है या लोन पेयर पता है, तो उसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर करेंगे हम ट्रिक्स के बारे में। चलिए अब देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हाइब्रिडाइजेशन के फाइंड आउट करने के दो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट मेथड तो यह है, आपको क्या पता होनी चाहिए, ज्योमेट्री पता होनी चाहिए उसकी, ठीक है, ठीक है, शेप पता होनी चाहिए, ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, यानी कि उसमें क्या पता होनी चाहिए आपको, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। सेकंड मेथड है ट्रिक, उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले हम देख लेते हैं एक्स फाइंड आउट करना है आपको। ये एक्स क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक्स निकलता कैसे है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर अगर आपको पता है तो आप किसी मॉलिक्यूल की क्या पता कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। देखते हैं फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए CH4, ठीक है, CH4 का एग्जांपल आपको पता है कि शेप कैसी होती है, इस टाइप की,
होगी सब क्या है सिग्मा बोन, सिग्मा बोन है लोन पेयर नहीं है, सिग्मा बोन कितने हैं यहाँ पर चार, लोन पेयर जीरो, ठीक है ऐड करेंगे तो फोर प्लस जीरो कितना आ जाएगा फोर, फोर से हमारा क्या बनता है एस पी थ्री, एस पी थ्री का बनता है तीन पी और एक एस, एस पी थ्री क्या होती थी शेप टेट्राहेड्रल, इसका मतलब क्या हुआ कि सी एच फोर की शेप कैसी थी टेट्राहेड्रल, पता है हमको ठीक है। और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, चलिए एन एच थ्री, एन एच थ्री की शेप कैसी पड़ी थी अभी आपने, ये साथ में क्या प्रेजेंट था एक लोन पेयर, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया थ्री, लोन पेयर कितना हो गया जीरो सॉरी वन, तो कितना हो गया ओवरऑल फोर, तो फोर के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया sp3 टेट्राहेड्रल, लेकिन लोन पेयर की वजह से इसकी शेप कैसी हो जाती है, ज्योमेट्री कैसी होगी टेट्राहेड्रल, ये ज्योमेट्री की बात है, शेप कैसी होगी, शेप कैसी होगी यहां पर ट्राइगोनल पिरामिडल, अभी पढ़ाया जस्ट आपको ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड पता चले लोन पेयर पता चले तो हमने क्या बता दिया उसका हाइब्रिडाइजेशन। एक और ले लेते हैं एग्जांपल H2O, H2O की शेप कैसी होती है H यहां पर लोन पेयर एक लोन पेयर ऊपर, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए दो, लोन पेयर कितने हुए दो, कितने हो गए चार, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। इस टाइप से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं मॉलिक्यूल्स का ठीक है। कार्बन कार्बन में भी निकाल सकते हैं, कार्बन का अगर हम यहां पर कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया आपका, यहाँ पर कार्बन सबकी वैलेंसी हमने फ्री कर दी है। अब हर कार्बन के निकालेंगे, इस कार्बन पर देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ये एक सिग्मा ये पाई ये पाई, यहाँ सिग्मा यहाँ सिग्मा यहाँ एक सिग्मा एक पाई यहाँ सिग्मा सिग्मा सिग्मा, इसको ओपन कर लेते हैं ठीक है हाइड्रोजन को, यहाँ यहाँ सबको ओपन करके लिख लेंगे पहले, इस टाइप से ठीक है। अब यहां देखिए इस कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाता है sp, सिंगल बॉन्ड है यहां देखेंगे सारे सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड में क्या हो जाएगा sp3, यहां क्या है सिग्मा बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई कितने हो गए तीन, ये सिग्मा वन टू थ्री, थ्री से क्या बन गया sp2, ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, यहाँ क्या हो गया देखिए वन और टू सिग्मा है तो टू से क्या बनेगा sp, यहाँ वन टू थ्री फोर सारे सिग्मा है तो sp3, यहाँ क्या होगा एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा, तीन सिग्मा से क्या बनेगा sp2 ठीक है। अगर सिग्मा बॉन्ड हमारे कितने हैं दो तो क्या होगा sp, तीन है तो sp2, चार है sp3, पांच है sp3d, छह है sp3d2, सात है तो sp3d3। इस टाइप से आपके सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर प्रेजेंट होने पर आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है सेंट्रल एटम पर। ये तो हमारा हो गया कि हमें शेप पता होनी चाहिए, ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, लोन पेयर पता होने चाहिए ठीक है, सिग्मा बॉन्ड पता होने चाहिए। सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर हमें कब पता होंगे, जब हमें शेप और ज्योमेट्री पता हो, लेकिन सभी मॉलिक्यूल्स ऐसे नहीं है। बताइए चलिए मैं एक HCF4 ये दे दिया आपको, HCF2 या HCOF2 या OF4 ये दे दिया, बताओ चलो इसकी शेप कैसी होगी, ज्योमेट्री कैसी होगी, पढ़िए कभी नहीं पढ़िए ठीक है, ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, ट्वेल्थ में पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इनकी शेप्स ज्योमेट्री सब कुछ पढ़ेंगे ठीक है, लेकिन अभी नहीं पता है। अगर आपको एग्जाम में याद है तो कैसे निकालोगे भाई हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, उसके लिए ट्रिक है, फॉर्मूला है ठीक है, वो फॉर्मूला आप पढ़ने वाले हैं, उसे ट्रिक मानिए आप, चलिए उसे पढ़ेंगे, पहले नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है एक्स नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको निकालने हैं ठीक है, कैसे निकालेंगे वन बाय टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट जिनकी वैलेंसी वन हो, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, माइनस चार्ज एस कैटायन, जो प्लस चार्ज है जितना होगा उसे माइनस कर देंगे, और जो एनायन होगा वो उसे हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ये हमारा क्या है फॉर्मूला है आपको फाइंड आउट करने का, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ठीक है। लोन पेयर भी हम निकाल सकते हैं, देखिए बोन पेयर निकालेंगे पहले, ये हमारा क्या है
नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, इससे हम लोन पेयर भी निकाल सकते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, या इसे ही हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो लोग बॉन्ड पेयर कैसे निकालेंगे, हम बॉन्ड पेयर कैसे निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्ड पेयर निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, जितने मोनोवेलेंट एटम होंगे सिंगल बॉन्ड, क्या बोल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड थ्रू सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के थ्रू जितने भी आपके एटम्स जुड़े होंगे वो बॉन्ड पेयर होंगे। लोन पेयर कैसे निकलेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये जो आए हैं इसमें से आप माइनस कर देंगे क्या, बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके हेल्प से पहले हम निकालते हैं सबसे सिंपल CO2। CO2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, सेंट्रल एटम कौन होता है, कार्बन। ठीक है, शेप की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आ जाइए, चलिए एक्स निकालेंगे 1/2। पहले क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, तो क्या नोट करेंगे 6 को 2.4, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 प्लस मोनोवेलेंट, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, मोनोवेलेंट नहीं है, ट्राइवेलेंट है, तो मोनोवेलेंट क्या हो गया, 0, प्लस चार्ज है नहीं है, माइनस चार्ज है नहीं है। ठीक है, तो कितना आ गया 4/2, कितना आ गया 2 से क्या बनेगा, मैंने अभी आपको बताया एसपी, एसपी की शेप कैसी होती है, लीनियर। ठीक है, कैसी हो जाएगी, देखो कार्बन डाइऑक्साइड की ऐसी होती है ना शेप, कैसी हो गई, लीनियर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, एसपी, इजीली पता चल गया। ठीक है, चलिए CH4 का निकाल देते हैं, CH4 का निकालेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वही 4 इलेक्ट्रॉन्स, मोनोवेलेंट एटम कितने आपके पास, 4, प्लस चार्ज नहीं है 0, माइनस चार्ज नहीं है 0, कितना हो गया 8/2, कितना आ गया 4 से क्या बनेगा sp3, sp3 मींस टेट्राहेड्रल। क्लियर, इजीली पता कर लिया आपने भाई, आपको क्या पता थे, केवल फॉर्मूले पता थे, फॉर्मूले से आपने क्या निकाल दिया, इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या निकाल दी, उसमें हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिया। ओके, अब हम देख लेते हैं एग्जांपल्स ऐसे जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट हो, इन्हें नोट कर लीजिएगा। ओके, लोन पेयर भी निकालते हैं, चलिए बॉन्ड पेयर भी निकालते हैं, टिपिकल सा एग्जांपल लेते हैं जो आपने पढ़ानी है, HCF4। ठीक है, या पहले HCF2 ले लेते हैं, HC क्या है, जीनोन, जीनोन है, आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 भाई, नोबल हुआ है ना, नोबल गैसेस सबकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलिए फॉर्मूला लगाइए, 1/2, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8, मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 2, क्लोरीन मोनोवेलेंट है, प्लस चार्ज है नहीं, माइनस चार्ज है नहीं, कितना हो जाएगा 10/2/4, 5, आंसर कितना आ गया 5, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके 5 हो गए, 5 मतलब sp3d। ठीक है, अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, sp3d में ज्योमेट्री क्या होती है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ये होगी हमारी क्या ज्योमेट्री, मैंने शेप की बात नहीं की है, किसकी की है, ज्योमेट्री की, शेप डिपेंड करेगी लोन पेयर है या नहीं है। लोन पेयर निकालेंगे, पहले बॉन्ड पेयर निकालो, कितना हो जाएंगे बॉन्ड पेयर, 2, क्यों, क्योंकि 2 मोनोवेलेंट एटम है। लोन पेयर निकालेंगे कितना आ जाएंगे, 5 में से 2 गए 3, 3 लोन पेयर होंगे। तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल की शेप कैसी होती है, देखिए XE, यहां F, यहां F, 3 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर हम ऐसे नोट कर देंगे, एक लोन पेयर ऐसे, एक लोन पेयर ऐसे। अब देखिए ज्योमेट्री कैसी बनी, ट्राइगोनल एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, कितने बन जाएंगे, ट्राइगोनल बाय पिरामिड, लेकिन शेप कैसी हो गई, देखिए इन लोन पेयर ने क्या करा, रिपल्शन करके इसको सीधा कर दिया, सीधा कर दिया, कैसी होगी शेप, लीनियर, शेप कैसी है, लीनियर, ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल बाय पिरामिड। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको मिला, उससे आपने क्या निकाल दिया, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा, ज्योमेट्री और शेप अलग हो सकती है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नोट कर लीजिए, खत्म हो गया है बस हाइब्रिडाइजेशन, परेशान मत होइए आप, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, HCF4 थक गए हैं, चलिए लास्ट कर लेते हैं इसको, HCF4 एक्स निकालेंगे 1/2, वही 8 इलेक्ट्रॉन्स, मोनोवेलेंट आपकी बार कितना हो गया, 4, प्लस चार्ज नहीं है, माइनस चार्ज नहीं है, कितना आ गया 6। ठीक है, 6 से क्या बन जाएगा, sp3d2,
ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। किसी बात की है ज्योमेट्री की, नॉट शेप, शेप ज्योमेट्री दोनों अलग अलग है, शेप निकालेंगे, शेप डिपेंड करेगी लोन पेयर पर। बोन पेयर निकाल लेते हैं कितना हो गया 4, लोन पेयर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में कैसे प्रेजेंट होते हैं, एक्स सी एफ यहाँ आ गया, एफ यहाँ आ गया, एफ यहाँ आ गया, एफ यहाँ आ गया, इस टाइप से। ठीक है, लोन पेयर कितने हो गए 2, एक यहाँ जाएगा ऊपर, एक यहाँ जाएगा नीचे। ठीक है, तो शेप के ज्योमेट्री कैसी थी, ऑक्टाहेड्रल, पर शेप कैसी आ गई, ऐसी शेप को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर की फॉर्म में है। ठीक है, ये हमारी होगी शेप। और भी मॉलिक्यूल्स की निकाल सकते हैं आप, सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, किसी की भी, आयंस की भी निकाल सकते हैं इससे। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको बिना शेप पता हो रहे हुए आपको क्या पता चल गई, आपको पता चल गया कि उसमें कितने लोन पेयर हैं, कितनी उसकी शेप है, कैसी उसकी शेप है, कैसी उसकी ज्योमेट्री है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर कंप्लीट होता है। कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन हमने इस लेक्चर में पढ़ा है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, हाइब्रिडाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।